चाहूंगी रागिनी जी, मैं ये बिल्कुल नहीं, मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयान पर भारत को शर्मसार होना पड़ रहा है और ये यहाँ बैठकर दांत निपोड़ रही है। तो लगातार रमेश जी आपकी मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है। पहले फ्रिज एलिमेंट्स को भेजकर मुझे हाहाकार मचाया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर चैनल पे बैठकर कोई मुझे जबरदस्ती किसी खांचे में फिट करने की कोशिश करेगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर रागिनी जी को प्रतिस्पर्धा करनी हो तो वो अपने टाइप के लोगों से करें, मुझसे ना करें। ये जो बदतमीजी जो हर बार होती है, मैं ये बार बार बर्दाश्त नहीं करूंगी। रागिनी जी को कहिए डिसाइड कर ले, अगर उनको सिर्फ पार्टी पर बात करनी है तो डिबेट में आना, छोड़ देना मेरे साथ। मैं तो हाथ जोड़ कर नहीं कहती कि रागिनी नायक आओ मेरे साथ डिबेट करो, पर वो आएंगी, मैं स्वतंत्र रूप से बात रखूंगी। आप दोनों देखिए, आप करना पड़ेगा उनको सम्मान, और नहीं कर सकती तो डिबेट छोड़कर जाएं, नहीं कर सकती तो डिबेट छोड़कर जाएं। रागिनी नायक जैसी कांग्रेस प्रवक्ता में हैसियत नहीं है किसी स्वतंत्र व्यक्ति से बात करने की, तो वो डिबेट छोड़कर जाए, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो आज के इस वीडियो में सुभ्रास्था ने रागिनी नायक को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि रागिनी नायक डिबेट में आकर एक विशेष धर्म का कुछ ज्यादा ही समर्थन कर रही थी, और उसके बाद ये सुभ्रास्था पर भड़क गई कि आप बीजेपी की तरफ से बोलते हैं और मोदी जी जो बोलते हैं मोदी जी की भाषा बोलते हैं। तो इसी बात पर सुभ्रास्था ने इसे डिबेट में अच्छे से धोया है, क्योंकि रागिनी नायक डिबेट में सीधा जवाब देने के बजाय उल्टे कुछ भी बोलकर पर्सनल कमेंट कर रही थी सुभ्रास्था। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शुभ्राष्टा का कहना है कि अगर किसी धर्म ग्रंथ में कुछ बात लिखी है और उसे उस तथ्य को अगर बोला जाए या उस बात को रखा जाए तो इतनी वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सवाल तो मुझे लगता है कि चाणक्य से और प्रधान सेवक जी से जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं ने पल्ला झाड़ा जो नूपुर ने बयान दिया। तो या तो मोदी जी और अमित शाह जी ठीक हैं या नूपुर शर्मा ठीक हैं, अब ये शुभ्राष्टा आपस में खुद ही फैसला कर लें। और मैं तो ये कहूंगी रागिनी जी, मैं ये बिल्कुल नहीं, मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मैटर को मुझसे जोड़ें। या तो आप कहिए कि मैं भारतीय नहीं, या तो आप प्रूफ कीजिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी की मेंबर हूं। आज बड़ा सवाल ये है कि अनर्गल बोलकर नहीं निकल सकती ना रागिनी, आप अंतरराष्ट्रीय नाम नहीं, आप एक मिनट चाहिए, मैं बीच में नहीं बोली, मैं बीच में नहीं बोली, जब अमित शाह जी का नाम मैंने पूरी आपकी बात सुनी, आप मेरे ऊपर आपने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कट्टरपंथिता के ऊपर क्या बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज भारत की थूथू हो रही है, आप लोगों उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहेंगी। आप कौन होती है मुझे ना बोलने देने वाली। अब सबसे पहली बात इनको निर्धारित करना है कि देश के प्रधान सेवक और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य सही हैं या नूपुर शर्मा सही हैं, क्योंकि उन्हीं ने पल्ला झाड़ा, फ्रिंज एलिमेंट बोला और आगे बढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयान पर भारत को शर्मसार होना पड़ रहा है और ये यहाँ बैठकर दांत निपोड़ रही है। तो लगातार रमेश जी आपकी मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है। पहले फ्रिज एलिमेंट्स को भेजकर हाहाकार मचाया जाता है और उसके बाद उन्हीं फ्रिज एलिमेंट्स से पर्दा झाड़ दिया जाता है। मैं आज जानना चाहती हूँ कि फ्रिज एलिमेंट शर्म के मारे आपके चैनल पर नहीं आए। ठीक है रागिनी, रागिनी मैं दंग हूँ इस बात को लेकर कि रागिनी जी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें कर रही हैं डिबेट में। रागिनी जी को मेरे आइडेंटिटी पे सवाल उठाने के पहले एक बार देख लेती कि मैंने न तो नूपुर शर्मा का नाम लिया, न मैंने अमित शाह जी का नाम लिया और न मैंने आदरणीय मोदी जी का नाम लिया, लेकिन उसके बाद मैं कह रही हूँ जो जो बातें रागिनी जी ने कही वो तथ्य है। मैं उस तथ्य को तो नकार नहीं रही, लेकिन रागिनी जी इतना मैं बिल्कुल ये नहीं समझ पा रही कि रागिनी जी ने जो भी बातें बोली उसमें मेरा असमर्थन कहाँ है। लेकिन अगर यहाँ पर चैनल पे बैठकर कोई मुझे जबरदस्ती किसी खांचे में फिट करने की कोशिश करेगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करती हूँ, मैं बहुत सिंपल बोल रही हूँ। मैंने किसी पार्टी का कोई झंडा आज तक नहीं उठाया और ना मैं अभी उठाने के मूड में हूं। इसीलिए अगर रागिनी जी को प्रतिस्पर्धा करनी हो तो वो अपने टाइप के लोगों से करें, मुझसे ना करें। पहली चीज ये जो बदतमीजी जो हर बार होती है, मैं ये बार बार बर्दाश्त नहीं करूंगी। रागिनी जी को कहिए डिसाइड कर ले, अगर उनको सिर्फ पार्टी प्रवक्ताओं से बात करनी है वो डिबेट में आना, छोड़ देना मेरे साथ। नहीं देखिए, मैं तो हाथ जोड़ कर नहीं कहती कि रागिनी नायक आओ मेरे साथ डिबेट करो, छोड़ने की पर वो आएंगी, मैं स्वतंत्र रूप से बात रखूंगी। आप दोनों देखिए, आप करना पड़ेगा उनको सम्मान, और नहीं कर सकती तो डिबेट छोड़कर जाएं, नहीं कर सकती तो डिबेट छोड़कर जाएं। रागिनी नायक जैसी कांग्रेस प्रवक्ता में हैसियत नहीं है किसी स्वतंत्र व्यक्ति से बात करने की, तो वो डिबेट छोड़कर जाए, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। मैंने इनको बदतमीज नहीं कहा, मैंने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। देश की जनता देख रही है, जिसके क्लिप्स भी वायरल होंगे, मैं कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। राजनीति आप करो तो ठीक है, आपने तो राम की राजनीति की, 13-13 दर्जनों वकील खड़ा किया, क्या वो राजनीति नहीं थी राम मंदिर के खिलाफ? जब राम भक्तों पर गोली चलवाई गई तो आपने क्या राजनीति नहीं की?
अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जन्म ही भगवान राम के लिए लिया है। कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के लिए कोशिश करते हैं कि कोशिश करने के लिए सबसे पहले नेता होना जरूरी है, कि यह नहीं कि युवा बने रहे ड्रेस में आए नहीं, नेता बनने के लिए नेता की ड्रेस जरूरी है। स्कूल में जाते हैं स्कूल की ड्रेस जरूरी है, नेता बनने के लिए नेता की ड्रेस जरूरी है, तो वो खास तौर से उनको उपयोग करना जरूरी है। 29 में उनका नंबर आएगा, 24 में तो मोदी जी ही मोदी जी रहेंगे। कुंडली आपके पास है क्या? उनकी कुंडली है? सच बोल रहा हूँ, सच बोलने में क्या है? ये बताइए मौर्य पोलियो बुद्धिस्ट है, वो हमारे हिंदू धर्म से उसका क्या लेना? कोई बात नहीं, हमारे उतने ही, वो मुझे पता चल गया था, मुझे पता चल गया। ना 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 ना, ना भगवान, अरे अरे रुको, है ना, आराम से, थोड़ा कंट्रोल, संयम, तुम्हारे लिए संयम बहुत जरूरी है, संयम। हाँ जी, मैं बताती हूँ, ये पूछ रहे राम गए कहाँ पे थे। राम गए कहीं नहीं, वो हमारे कुछ भारतीय हिंदू हैं जो उनके संस्कारों से दूर चले गए थे, वो हमने किया था। क्या बात है? और वो दूर कैसे किया? मुस्लिम हैं, वो अपने बच्चों को 5 टाइम की नमाज अदा करने की स्टार्टिंग से छोटे से आदत डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी घर है पूजा पाठ होता है, अगर मतलब घर में 5 बंदे हैं ना, वो कहेंगे पूजा कर रही हो, मतलब बाकी परिवार है, कोई टीवी देख रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई फोन चला रहा है, सब कभी भी इकट्ठे होकर पूजा पाठ नहीं करते। राम कहीं नहीं गए थे, सिर्फ हमने खुद ने अपने संस्कारों से उन्हें दूर कर दिया था। अच्छा जवाब दिया है। आप ये बताइए, इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है, मजहब है, पंथ है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैं चुनौती से कह रहा हूँ, आप बता दीजिए इस्लाम अगर धर्म हो, मैं बात कर रहा हूँ। जी बताइए आप। ठीक है, ओके, शादाब। शादाब का जवाब होगा, पहले रिलीजन का ऑप्शन आया होगा, आपने कहीं हिंदू फील किया होगा अपने आप को? क्या हिंदू, मेरे विद्वान बैठे हैं सनातन धर्म के विद्वान है, सनातन धर्म तो है लेकिन हिंदू शब्द कब आया, क्या लेना देना है उसका सनातन धर्म से, वो मुझे बता दीजिए। विदेशियों ने नाम दिया, उस नाम को ढो रहे, पहले अपना सोच लीजिए, बाद में मेरे सवाल करना। जी, बृहस्पत आगम में लिखा, हिमालय समारंभ यावत बिंदु सरोरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रत्यक्षते। तो हिंदुस्तान आ गया ना, हिंदू से हिंदुस्तान आया। राजनीतिक गैस के गोले 2024 के लिए कैसे ले रहे हैं मंदिरों मस्जिद के नाम से, वो सुधांशु त्रिवेदी जी बता रहे थे। और इनकी तो सियासत ही रही है, 91-92 के अंदर भी राम मंदिर का मुद्दा उठा करके और बैटिंग करने लगे, और कैसे किस तरीके से सत्ता बनाई, ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम मंदिर और मस्जिद हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। राम जन्मभूमि का विषय चुनावी तो छोड़िए, राजनीतिक विषय भी नहीं, चाहे भगवान शंकर का विषय, ये भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। अरे जब हम 2 सीटों वाली पार्टी थे, जिंदगी में नहीं सोचा था कभी सत्ता आएगी, तब भी उसके साथ खड़े थे, 303 सीटों के साथ भी उसके साथ। अभी इनके मुंह से निकला कि गोले फेंक रहे हैं मंदिर और मस्जिद के नाम पर। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, मान्यवर, गोले मंदिर और मस्जिद में नहीं चलते, जहां मस्जिद बना मस्जिद में गोले चलते हैं। क्या हो गया, टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती चली जा रही है, घबरा भी बढ़ती जा रही है। जैसे आप याद करिए, हिंदू धर्म की हर वैज्ञानिकता सिद्ध होती जा रही है, पहले कहते सरस्वती नदी नहीं है, फिर क्या हुआ, नासा की पिक्चर में दिखी 96 में, राम से तो नहीं है, वो भी नासा के सैटेलाइट में दिखा 87 में। अब आप जानते हैं टेक्नोलॉजी कहां आने वाली है। ये जो कोरोना की वैक्सीन आई, तो जीनोम सीक्वेंसिंग आपने बहुत सुना होगा, जब सबका जीनोम मैप आ जाएगा तो वो टेक्नोलॉजी भी बता देगी कि जैसे जिन्ना के बाबा का नाम पूंजालाल ठक्कर था, तो अमर अकबर एंथोनी सबके बाप का नाम किशन लाली होगा, बस ये डर है इनको। हर कांग्रेसियों का आप जैसा की आदत है कि वो लोग हर किसी के बीच में बोलते हैं, और जब इन लोगों को कोई आईना दिखा देता है तो इन लोगों को ऐसे ही बुरा लग जाता है। ये लोग उल्टे सामने वाले पर ही बौखला जाते हैं, बल्कि ये लोग अपनी गलती मान ले कि हाँ इसे गलती हुई, ऐसा कभी नहीं करते हैं। और एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के चक्कर में ये लोग अपनी भाषा, बोलने का तरीका, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर उसके बाद इसी सब वजह से जब इन्हें वोट नहीं मिलता तो ये लोग सारा दोष ईवीएम पर आकर थोपते हैं, अपनी गलती नहीं देखते। खैर, आप अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।